सिकरी है, इधर बिलरी है। भैंस की आंख। ये देखो यहाँ पे बर्फ जमी हुई है भाई, मुंह धोया है पूरा। जब मैं वहां से यहाँ तक आया हूँ ना, हवा लग रही थी एकदम ठंडी ठंडी। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं निशांत और मैं हूं अभी हरसिल में, बागोरी विलेज में, और यहां पर मैंने लगा दिया अपना टेंट। अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं और सारी कहानी उसके अंदर है कि कहां पे हमें कैंपिंग लोकेशन मिली है, वो सब चीजें मैंने दिखाई है पिछले वीडियो में, तो उस वीडियो को देख लेना। अभी फिलहाल जो है अपन यहां पर आज कैंप करने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हमने ग्रोसरी सारी चीजें ले ली है, वो अपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। तो अभी हम खाना वाना बनाएंगे और बारिश का मौसम हो रहा है यार, बादल हो रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ही भयंकर। तो हो सकता है कि रात को स्नोफॉल हो या बारिश हो, तो वो तो रात को ही पता लगेगा। जो भी होगा मजा बहुत आएगा, तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना कैंपिंग का प्रोग्राम हरसिल में। तो गाइस सबसे पहले बनाते हैं अपन चाय, क्योंकि चाय की तलब लग रही है बहुत तगड़ी, तो चाय पीना बहुत जरूरी है, चाय के नशे बहुत जरूरी है। और सामने जो ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, वो बहुत ही एक नंबर है, तो मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पर चाय बनाते हैं, हवा बहुत तेज़ है, तो ये जो हमारा टेंट है ना, इसके आगे का जो एरिया है, इसमें काफ़ी अच्छा मतलब सिस्टम दिया हुआ है कि ताकि हम खाना वाना बना सकें इन केस ऑफ रेन और हवा। इन केस ऑफ रेन है हवा, हिंदी इंग्लिश। सामने का नज़ारा आप देखिए और इसको इंजॉय कीजिए। तो सामने गंगा जी है, तो वहाँ से पानी ले आए हैं, ये रे पानी, और अब चाय बनाते हैं यहाँ पर। ये मैंने शील्ड लगा दी है ताकि हवा ना आए और हमारा जो है कुकिंग वुकिंग सब यहीं पे हो जाएगा इजीली। तो पहले चाय पी लेते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं ट्रैवल चाय के लिए करता हूँ भाई। सामने जो नज़ारा है उसके साथ चाय का जो मज़ा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। तो आप भी इंजॉय करिए नज़ारे, मैं भी चाय इंजॉय करता हूँ। चीयर्स 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 चीयर्स। कुर्सियाँ। तो गाइस ये है अपना सेटअप, यहाँ पर मेरा टेंट लगा है, यहाँ पे महेश भाई का टेंट लगा हुआ है, और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सर्दी बहुत है भाई, सर्दी के मौसम में आओगे तो सर्दी ही लगेगा ना। नहीं, लेकिन आज तो थोड़ी अलग सी फीलिंग आ रही है, लेह लद्दाख वाली। लेह लद्दाख में भी आई थी ऐसी फीलिंग। और बर्फ देखो अब बिल्कुल वाइट हो गया है, करंट अभी गिरी है यार। हाँ, ये अभी गिरी है। और उधर देखो गंगोत्री में भी बर्फ पड़ रही है, करंट अभी गिरी है भाई यार। नहीं तो वो तो इतना वाइट तो था ही नहीं, अब तो बिल्कुल वाइट हो गया। कल गंगोत्री में मिलेगी बर्फ, कल गंगोत्री जाके दर्शन करेंगे, तब देखते हैं कितनी बर्फ मिलेगी। गंगा स्नान होएगा ठंड में। तो इधर अपना स्टोव वगैरह सब कुछ रेडी है, बस खाना बनाना है, तो अभी बना लेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। खाना बना के अपना रख देंगे, फिर थोड़ी बहुत देर में खाएंगे। प्याज बहुत तेज है भाई, हमने कनाटे बैठे बैठे खा हुआ सब्जी तो बना लेते ना हम पहले ही। क्या हो गया भाई, थोड़ा रिलैक्स करना भी तो जरूरी है, भगदड़ी मचा रखी है कल से हमने, थोड़ा आराम कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत नहीं है, बना लेंगे लाइट लाए तो है। चाकू दे,
तो महेश भाई इधर मटर छील रहे हैं और इधर मस्त नजारा है। इतने बड़े बहुत ने पीस। हाँ इतने बड़े बहुत है। और बीन्स काट रहे हैं अब। उधर मैंने प्याज टमाटर काट दिया है, गैस रख दी है, मतलब गैस ऑन कर दी है, गैस ऑन कर दी है। अब बनाएंगे हम सब्जी, मिक्स वेज और रोटियाँ बनाएंगे साथ में। और ठंड बढ़ती जा रही है भाई, रात में तो हालत ख़राब हो जाएगी ठंड में। रात में नहीं बन सकता, अभी बनाना पड़ेगा सब। रात में नहीं बनेगा। हाँ तो गाइस देखो अपनी सब्जी बन चुकी है, और मतलब बन रही है, धीरे धीरे पकती रहेगी वो, आलू वालू गल जाएंगे सब कुछ। और इधर हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है रोटी का, तो आटा गूंदेंगे और फिर रोटी बनाएंगे, क्योंकि अपना होता है बिल्कुल देसी कैंपिंग। प्रोटीन के डब्बे में आया है आटा। हम ही लोग रोटियां बनाते हैं, बाकी सब तो चावल पेल के चले जाते हैं। भाई रोटियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक तो ठंड उतनी हो रही है, वो ठंडे पानी से आटा गूंदना पड़ रहा है। तो भाई महेश भाई एक्सपर्ट है हमारे रोटियों के, तो यही बनाते हैं, सब्जी में बनाता हूँ। इधर सिकरी है, इधर बिलरी है। तो भाई ये रोटियां हमारी तैयार है और सब्जी भी तैयार है, खाने की इंतजार है, बस अब खाने का इंतजार है फटाफट। ओ भाई साहब ये देखो सब्जी, ये देखने में बहुत मस्त सी लग रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है और खाने के बाद पता चलेगा, मस्त लग रही है यार। चलो खाते हैं इसको। और इधर हमारी रोटियां हैं, घी चुपड़ी। भाई मस्त बनी है, मस्त बनी है। भाई बहुत टेस्टी बनी है, मैं तो सुबह नाश्ते में भी खाने वाला हूँ ये। चावल बना लूँगा मिक्स करके, वेज बिरयानी बन जाएगी। तो गाइस देख रहे हो कितनी अच्छी सब्जी बनी है, उंगलियां चाटी जा रही हैं। आपका भाई बढ़िया सब्जी बनाता है, छोड़ा थोड़ा ना जाएगा। इतनी मेहनत से बनाई है। भाई लाया लड्डू, दिखाओ भाई लड्डू कौन से हैं। गोंद के लड्डू है, तो ये भी खाया जाए, मीठा मुंह मीठा किया जाए। पूरी अपनी तो कैंपिंग पूरी देसी स्टाइल वाली हो गई ना, चूरमा गोंद के लड्डू सब्जियां रोटियां बन रही हैं भाई साहब।
खा के देखते हैं। ओ भाई साहब कतई जहर है, मतलब वैसे जहर नहीं है और टेस्ट में बहुत अच्छा है वो वाला जहर। मीठा खाने के बाद तो ऐसी जबरदस्त नींद आने वाली है, आज फैल के सोएंगे। चलो खा लेता हूँ मैं, बर्तन वर्तन बाहर रखते हैं, सुबह साफ करेंगे। तो गाइस अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और कल रात को खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड थी रात में बाहर और मतलब बिल्कुल भी बाहर बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं तो बस सीधा स्लीपिंग बैग में घुस गया और बस सो गया था। अभी फ़िलहाल सुबह उठ गए हैं, दिन निकल आया है और अभी देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे और बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ मैं अभी, थोड़ी देर और लेट लेता हूँ पहले। ये देखो यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, ठंड बहुत ही ज़्यादा यार, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो गाइस हम लोग कैंप कर रहे थे बिल्कुल गंगा जी के किनारे और यहीं पे मैं पानी भरने जा रहा हूँ, गंगा जी से गंगा जल भर लेंगे और अपना जो ब्रेकफास्ट का काम है वो सारा निपट जाएगा। ठंड बहुत ज़्यादा यार, ट्राइपॉड पकड़ने में भी ना हाथ सुन्न हो रहे हैं। हमने काफ़ी पीछे लगाया था टेंट, यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे भी लगा सकते थे लेकिन कल बारिश का मौसम हो रहा था। ये नाला है तो ये नाला जो है नाले में पानी आ सकता है और वो पानी जो है यहाँ भी आ सकता है। अरे मैं मुंह धो के आया हूँ, गुड मॉर्निंग भाई, मुंह धोया है और पूरा जब मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ ना, हवा लग रही थी एकदम ठंडी ठंडी, मुंह पूरा सुन्न हो गया। आगे से नहीं करूँगा ऐसा, बहुत तेज ठंड लग रही है, स्टोव जला के हाथ सेकता हूँ। तो महेश भाई कॉफ़ी बना रहे हैं, तो तब तक मैंने अपना स्लीपिंग बैग पैक कर लिया है। ये देखो यार, ये मेरा स्लीपिंग बैग है -18 वाला, इतना पतला हो जाता है ये। इसके अंदर क्या है ना, यहाँ पर एक वो दे रखा है होल, यहाँ से पूरी हवा बाहर निकाल के बंद कर दोगे तो एकदम ये वैक्यूम सील हो जाता है, तो इससे क्या है कि और कम जगह घेरेगा ये। बस 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 थोड़ा ठीक है, सब्जी में भी ऑयल है ना बहुत।
सेल्फ मेड सैंडविच का मजा ही अलग है। ठंडा भाई। तो भाई बर्तन धुल गए हैं, वापस चलते हैं अपने टेंट के पास। भाई अभी जो करके आया हूँ ना मैं पानी में पैर डाल के, भाई इसमें तो सुन हो गया एकदम। अब सामान जो है अपना समेटना शुरू करते हैं अपन। धूप बहुत तेज़ लग रही है तो सनग्लासेस लगा लिए। तो ये देखो मेरा टॉप बॉक्स है, इसके अंदर जो है रैंडम चीज़ें रखी रहती हैं, कभी सब्जियां ग्रोसरीज वगैरह इसमें रख लेता हूँ। वो लोकल जगह से ही खरीदते हैं तो फटाफट खरीद के इसमें रख लेते हैं, सैडल वैडल खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं, तो सारी ग्रोसरीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है, लोड कर लिया है। हर्षिल में कैंप करके बहुत ही मजा आया, हमने कैंप किया था बागोरी विलेज में, वो आप भी आके यहाँ पे कैंप कर सकते हो। हमने यहाँ पे लोकल से पूछ लिया था कि टेंट लगा सकते हैं तो उन्होंने कहा लगा लो, तो हमने यहाँ पे टेंट लगा लिया था। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पर आप अपनी बाइक से आ सकते हो या फिर पैदल आ सकते हो, इस जगह पे आप अपनी गाड़ियाँ लेके नहीं आ सकते हो। अगर आपके पास बाइक है या फिर आप वॉक कर रहे हो तो आराम से यहाँ पे पहुँच के कैंप लगा सकते हो। सब कुछ बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया है, पानी का सोर्स भी पास में ही है, चारों तरफ माउंटेन्स है, तो बढ़िया सा नज़ारा है। तो अभी जो है इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये हर्षिल में कैंपिंग वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स, जो भी चीज़ें आप बोलना चाहें कमेंट में आप बता सकते हैं, और लाइक जरूर कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर देना। तो अभी यहाँ से चलते हैं गंगोत्री की तरफ। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ से आगे की कहानी के साथ।